गुड मॉर्निंग ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो फिर से कोविड के बारे में बात की गई है कुछ खास नहीं है नेक्स्ट द बिग पिक्चर के अंदर जो बात की गई है क्वारंटाइन के बारे में कि रूल्स अलग अलग स्टेट के अलग अलग हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट देश देशांतर के अंतर यूपी गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया है लेबर से रिलेटेड इसको डिस्कस करेंगे तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज जो है हमारे पास देखो अभी पलायन हो रहा है लेबर बहुत ज़्यादा एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है कुछ एन भी प्रयास कर रही है कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं बहुत सिचुएशन खराब है आपको अच्छी तरह से पता है तो ऐसी स्थिति में यूपी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया है कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन फॉर लेबर्स एक कमीशन लेबर के लिए बनाया है जाहिर सी बात है एक अच्छा कदम आप कह सकते हो ये कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट यह है टू कीप माइग्रेंट लेबर सेफ़ एंड गिव देम सम सॉर्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी मतलब ये है कि इनको रोज़गार मिले जॉब मिले इंश्योरेंस मिले और सोशल सिक्योरिटी मिले ताकि इसका मैपिंग किया जा सके तो इस तरह का इनिशिएटिव एक अच्छा कहा जा सकता है परमिशंस विल बी व्हाट परमिशंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट्स विच नीड्स लेबर्स मतलब लेबर्स को किस चीज़ की ज़रूरत है तो उसे उस स्टेट में पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा जैसे इसी में स्लाइड में आगे आएगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रूल है कि अगर कोई लेबर उड़ीसा से किसी अदर स्टेट में जाता है तो उसे अपने यहाँ तो रजिस्ट्रेशन कराना ही है लेकिन उसका ऑफिसर वो जहाँ जाके वर्क किया है वहाँ जाके वो अच्छे चेकआउट करेगा इसको प्रॉपर सब कुछ मिल रहा है कि नहीं तो उस मॉडल को अपनाया जा सकता है वेदर वेदर दिस कमीशन विल बी इफेक्टिव क्या ये कमीशन इफेक्टिव होगा माइग्रेंट लेबर रजिस्टर विल हेल्प लेबर्स कॉमन है आई का जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में बना था अच्छे से आप जानते हो ये जो कन्वेंशन है 144 एक नंबर है लॉ का इसको भी एडोनन करने की बात कह रहा है मतलब इसको समन्वय बिठाएगा ऑल स्टेक होल्डर्स शुड टेकन इन सारे के सारे चाहे वो कंपनी वाले हो चाहे वो गवर्नमेंट हो सभी एक कोऑर्डिनेशन में आए नेटिव स्टेट्स शुड हेल्प द लेबर्स एंड मैप नेटिव स्टेट्स उसकी हेल्प करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या है आर्टिकल 19 हम अच्छे तरह से समझ रहे हैं आर्टिकल 43 डीपीएसपी का ये भी कहता है वैसे लेबर लॉ जो है कॉन्क्रेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है सेंटर भी बना सकता है कानून और स्टेट भी बना सकता है दोनों बना सकता है तो स्टेट इसी वद, इसी को देखते हुए बनाया है नो अन रिस्ट्रिक्शंस वैलिड अदर लीगल पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर अब जो है चार लेबर कोड को मतलब फोर्टी फोर लेबर को, लेबर कोड को चार लेबर कोड में बांटा जा रहा है तीन स्टैंडिंग कमेटी के पास है और अक्सर हमने इसके बात की है एक तो पास हो चुका है आप मान के चलो अभी इसमें बहुत आगे है गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट में इंश्योर डेट इट्स नेटिव लेबर मे गेट गे मिनिमम वेजेज इन अदर स्टेट्स उनको मिनिमम वेजेज जो कम उनको जो मिल, मिलना चाहिए वेतन वो मिले सोशल सिक्योरिटी इंश्योर किया जाए ह्यूमन कैपिटल इज अन वैल्यूएबल इन वैल्यूएबल एसेट बहुत बड़ा एसेट है हमारे भारत के लिए हमारे सोसाइटी के लिए इसको सही तरह से यूज किया जाए नेक्स्ट जो विल इट कॉस्ट अनसेसरी डिले फॉर माइग्रेशन इट विल गिव द अपॉर्चुनिटी टू लेवर्स टू चॉइस एंड स्टेट्स विल नॉट ट्रीट दैम एज अन्स एन इट इन टू बट ल्फ मतलब अपने अनुसार जब मतलब इसका एक्सप्लाइटेशन नहीं किया सकता है अगर इस तरह का कोड होगा तो स्टडी कहता है उड़ीसा के बारे में जो यही बताया था वही बात है यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या कहाँ से हो सकता है स्टेट्स शुड क्रिएट मैक्सिमम जॉब्स फॉर नेटिव स्टेट्स को क्रिएट करना चाहिए जॉब्स अपॉर्चुनिटी लेबर लाइवहुड्स शुड भी प्रोटेक्टेड लेबर के लाइवहुड्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए स्टेट्स शुड नॉट वर्क इन सिलॉज बट चैनलाइज एनर्जी टुवर्ड्स कोलेबरेटिव कोलेबरेटिव एफर्ट से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है देखो थॉमस होबस करके एक आप कह सकते हो विचारक हैं इनकी एक थ्योरी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट राइटली सेड इट इज ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ स्टेट की ड्यूटी है लाइफ इस लेबरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करने की लिबर्टी एंड प्रोपर्टी की नाउ इट हैज बिकम अ मोर इंपॉर्टेंट स्टेट टू ट्रीट लेबर्स एज इक्वल सिटीजन एंड प्रोटेक्ट दियर लाइव होड आप थॉमस होबस का ये लाइन है इसको भी कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे डिफरेंट स्टेट्स हैव एडोप्टेड डिफरेंट रूल्स एंड हाउ पीपल शुड टेकल दैम देखो किसी स्टेट में जाओगे किसी ब्लॉक में जाओगे किसी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो अलग अलग तरह के रूल किसी को चौदह दिन क्वारंटाइन रहना है किसी को जो है सो घर में ही क्वारंटाइन रहना है कोई नियम का पालन कर रहा है कोई नहीं पालन कर रहा है एक्स्ट्रा इट इज़ अ एक्स्ट्रा सिचुएशन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट ये पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है तो स्टेट अपने अनुसार कर रहा है इंटर स्टेट ट्रेवल इज लिस्ट वन सब्जेक्ट डेट इज अंडर यूनियन लिस्ट ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है एपडेमिक डिजेज एक्ट हमने लगाया एटीन नाइनटी सेवन का वापिस रिविजन है रिकॉर्डिंग है इसी के तहत हमने लगाया है डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव के तहत हमने आपदा डिज दिस डिसास्टर घोषित किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत है लोकल कंडीशंस क्रिएटिंग प्रॉब्लम लोकल कंडीशंस भी प्रॉब्लम करती है पंचायत में या कुछ दबंग लोग जो होते हैं वो लोग प्रॉब्लम करते हैं कि हमारे बच्चे नहीं रहेंगे क्वारंटाइन में यहाँ रहेंगे तो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं स्टेट शूड इंश्योर टू एडर टू डायरेक्टिव शूड बाय सेंटर एंड डिस्कस विद सेंटर इन केस ऑफ एनी डाइवर्जेंट व्यू अगर होता है इस तरह का डाइवर्जेंट व्यू तो मिनिमम शुड बी स के थ्रू ये फेस किया जा रहा है वन नेशन सिमिलर सिमिलर रूल्स होना चाहिए यहाँ पर कह रहा है आई जो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है ये गाइडलाइन देता है क्वारंटाइन रूल्स नीड टू बी इंप्लीमेंटेड यूनिफॉर्मली आई कहता है आप आंसर वगैरह जब लिखोगे इस तरह के कोविड सिचुएशन में किस तरह से यही यही कोई क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाउ क्वारंटाइन रूल्स इन डिफरेंट इन अदर स्टेट बहुत सारी परेशानियां हुई जस्ट जस्टेक्स कमेंट करो तो यहां पर आप आई को यूज कर सकते हो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च को कि इनकी गाइडलाइन है कि सारे स्टेट में एक ही पूरे भारत में यूनिफॉर्मली रूल्स होने चाहिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी बाय द ब्यूरोक्रेट्स नीड्स टू द कन्फॉर्मेटिव विद डायरेक्शन गिवेन अदरवाइज देयर विल बी सिचुएशन बहुत ज्यादा भागदौर वाली सिचुएशन हो सकती है राइट ऑफ इंडिविजुअल्स माइग्रेंट फेस द बर्न ऑफ द क्राइसिस ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सुड बी इंपोज रीजनेबल होना चाहिए अदरवाइज देयर विल बी फ्लड ऑफ लिटिगेशन बहुत बड़ा डिसास्टर हो सकता है हैंडलिंग ऑफ क्राइसिस बाई ब्यूरोक्रेट वेरी कंजर्वेटिंग एंड रिजेट सुड बी अर सपोर्ट सिस्टम एंड बी कंपेंसेट हेल्थ केयर वर्कर्स आर फ्रंटलाइन एंड ब्यूरोक्रेट सुड नॉट टेक दियर पोजिशंस यहाँ पे ये भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है पीपल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज चिल चिल्ड्रेन दे कास्ट वोट रेशनली एंड इफ पीपुल आर डाउटेड अबाउट दियर एबिलिटी टू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी इट मे इन इन इंजेंडर कैरिक सिचुएसन पीपुल कैन नॉट रिमेन बिहाइंड द वॉल्स ऑफ इंटरनेट पीपल इससे बाहर नहीं जा सकता है आर्टिकल नाइनटीन शुड भी रिस्ट्रिक्टेड ओनली रीजनेबली रीजनेबल के कंडीशन में ही रिस्ट्रिक्टेड किया जाए सेंट्रल एंड स्टेट का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है सीलो एंड आइवरी टावर अप्रोच शुड बी सन एक्स्ट्राऑर्नरी टाइम्स कॉल फॉर एक्स्ट्रॉर्नरी सॉल्यूशन एक्स्ट्रॉर्नरी टाइम्स के समय एक्स्ट्रानरी सॉल्यूशन चाहिए अ गुड क्राइसिस शुड नेवर बी वेस्टेड अच्छा आर्टिकल था तो इसको आप यूज़ कर सकते हो तो आज के डिस्कशन में इतना ही था थैंक यू थैंक यू